नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर वन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुरुग्राम। गुरुग्राम वो शहर जिसकी ना तस्वीर बदली है ना तकदीर बदली है। हालात ये है कि चंद बूंदे गिरती नहीं है और पूरा शहर दरिया बन जाता है, और दरिया भी ऐसा कि जहां देखो वहां पानी ही पानी। इस वक्त हम गुरुग्राम के सबसे पॉश इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर खड़े हुए हैं और सबसे पहले यहां के हालात दिखाएंगे कि किस तरह से पानी भरा हुआ है। फिलहाल अभी बरसात नहीं हो रही है, लेकिन जब कल बरसात हुई और आज बरसात हुई उसके बाद ये हालात है। चंद घंटों की ये बरसात थी, उसके बाद इस तरह की तस्वीर इस पूरे शहर से देखने को मिली, और ना केवल सिर्फ गोल्फ कोर्स रोड बल्कि शहर के दूसरे इलाकों से भी। और आपको बता दें कि इस इलाके में रहने वाले लोग करोड़ों रुपए खर्च कर यहाँ घर लेकर रह रहे हैं, और उसके बाद उन्हें जमीन पर क्या मिल रहा है, यानी जिला प्रशासन के जो दावे हैं वो पूरी तरह से इस बरसात में किस तरह से बह जाते हैं, वो तस्वीर यहाँ से दिखती है। और सबसे बड़ी बात ये कि लाखों रुपए खर्च कर BMW गाड़ी जैसी गाड़ी जब इस सड़क पर दौड़ती है तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, पानी में ही इसी तरह से उसकी रफ्तार थम जाती है क्योंकि पानी इस कदर भरा हुआ है। और लोग यहाँ इकट्ठा है क्योंकि अब हालात ऐसे हो गए हैं इस शहर के कि आपको कहीं किसी खेत में धान बोने की जरूरत नहीं है, शहर की सड़कों पर इतना पानी है। लोग यहाँ पर धान बोकर अपना प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिला प्रशासन जो दावे करता है वो कितने खोखले हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत यही है कि आप यहाँ पर आइए और धान बो दीजिए। देख सकते हैं कि पानी जो है करीब करीब घुटनों के पास तक पहुंच गया, और अगर ये बरसात लगातार जारी रही तो ये शहर कब डूब जाए ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हालात इसी तरह के बन रहे हैं। आप यहाँ विरोध जता रहे हैं, किस तरह की परिस्थितियां गुड़गांव में बनी हुई है बरसात के बाद? सबसे पहले तो मैं आज इंडिया न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गुड़गांव की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। आज हम अपनी नवजन चेतना मंच की टीम के साथ यहां पहुंचे, जब हमें पता लगा कि गुड़गांव के चारों तरफ हर कोने पर जलमग्न हो रहा है, जल का भराव इतना भर चुका है कि गाड़ियां देखो आपके सामने BMW खड़ी है, ये भी पानी के कारण बंद हो गई है। क्या मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए के जो टैक्स जो हमारे डेवलपमेंट बिल्डर से लिए जाते हैं, जब उनके वो पैसे से इतनी बढ़िया पॉश कॉलोनी के सामने ऐसे गाड़ी बंद हो सकती है और ऐसे पानी का जल भराव हो सकता है, तो मुझे बताइए कि एक पूरे गुड़गांव शहर का क्या होगा। आज पूरा जाम लगा हुआ है, आगे देखिए पूरी गाड़ियों की लाइन खड़ी हुई है। हमें जब ये चीज का पता लगा तो हम तुरंत यहाँ पर पहुंचे और हमने इस बात को सरकार तक पहुंचाने का अपना कार्य किया है। हम सरकार से मांग करते हैं, हम चाहते हैं कि जनता को सारी सुविधाएं तुरंत प्रभाव से मुहैया कराई जाए। गुड़गांव में सिर्फ यही हालात है या पूरे शहर की इस तरह की स्थिति? हमने पूरे शहर में कम से कम 20-25 जगह पर आज अपनी टीम के साथ दौरा किया है, लेकिन RTMS हॉस्पिटल के सामने तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, इतनी बुरी हालत है। उसके बाद हमें पता लगा गोल्फ कोर्स जो हिंदुस्तान की सबसे सुंदर सड़क है, हिंदुस्तान का सबसे नंबर एक का वहाँ पर शहर है, वहाँ की हालत आपके सामने देखिए। इसी से पता लगेगा कि गुड़गांव के अंदर क्या हालात हैं। बिल्कुल, ये हालत नहीं है, बदहाली है, और शहर की बदहाली है क्योंकि शहर का नाम तो बदल दिया गया लेकिन हालात आज तक नहीं बदले हैं। हर बार जिला प्रशासन और दूसरी एजेंसी ये दावे करती है कि नहीं जब बरसात होगी तो व्यवस्थाएं पूरी है, और पूरी नहीं बहुत बेहतर है, लेकिन वो बेहतर कितनी दिखती है वो समझ में आ जाता है ये तस्वीरें देखने के बाद। आप ये बताइए कि जब बरसात होती है उसके बाद घर से निकलना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत ही मुश्किल हो जाता है घर से निकलना, घर से तो निकल ही नहीं पाते हैं, बच्चे तो परेशान हो जाते हैं, बहुत पानी भरा पड़ा है। धान लेके आप पहुँचे हैं, क्या मैसेज जिला प्रशासन और सरकार को देना चाहते? जिला प्रशासन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही है, तो सरकार को भी ये चाहिए कि हमारे गुड़गांव में कुछ भी तरक्की करे। गरीबों के लिए कुछ नहीं करती सरकार, कुछ भी नहीं करती, और जो पैसे वाले होते हैं उनके लिए सब कुछ करती है, ना कोई पीला कार्ड बनाते हैं राशन कार्ड, ना को किसी के लिए कोई सुविधा है। जो किराएदार है उनके लिए इतने इतने किराए हैं, हम लोग दे नहीं पाते, ना हमारी कोई इतनी आमदनी है ना कुछ है। धान खेत में उगती है लेकिन अब सड़कों पर आप उगा रहे हैं? हमने तो पहली बार धान उगाया, हमें ये पानी खूब भरा हुआ है। स्थिति ये है इस शहर की कि आप समझ सकते हैं कि पानी किस तरह से लगातार जब बरसात होती है तो शहर की सड़कों पर जमा हो जाता है, और हालात ये हैं। आपको बता दें
की गोल्फ कोर्स रोड की बात करें, सोहना रोड की बात करें, सरहोर बॉर्डर रोड की बात करें, या इसके अलावा जो सेक्टर्स हैं शहर के वो जो दूसरी कॉलोनीज हैं या जो दूसरे इलाके हैं वहां भी इसी तरह की स्थिति हर बार बनती है। सिर्फ दो दिन हुए हैं बरसात होते हुए और दो दिन में भी कुछ घंटे भर की बरसात है, उसके बाद की ये तस्वीरें बन रही है। लेकिन इसके अलावा पूरे बाकी शहर के क्या हालात हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। ब्रेक के बाद वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि ये शहर जिसका नाम तो बदल दिया जाता है लेकिन जब बरसात होती है तो इसका हाल नहीं बदलता और ये शहर हल्की सी बरसात में पानी में इस कदर डूब जाता है। इससे पहले जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी वो डीएलएफ का इलाका था, गोल्फ कोर्स रोड, जो कि सबसे पॉश इलाका माना जाता है। और इस वक्त हम जहां खड़े हुए हैं ये सेक्टर 50 का इलाका है और यहीं से सोहना रोड के लिए भी एक रास्ता जाता है और तमाम जो दूसरी बड़ी सोसाइटीज हैं वो इस इलाके में मौजूद है। सबसे पहले अब अगर यहाँ ये कहा जाए कि इस शहर का नाम गुरुग्राम की बजाय अगर बोट ग्राम रख दिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इस शहर की सड़कों पर बरसात आने के बाद गाड़ियां चलती नहीं है बल्कि तैरती है और हालत ऐसी हो जाती है कि ट्रैफिक पुलिस वालों को भी इन हालात में ट्रैफिक की व्यवस्था को संभालना पड़ता है, इस पानी के बीच में उतरना पड़ता है। अब आखिरकार, क्योंकि दोष कई बार हम ये दे देते हैं कि जो ट्रैफिक जाम लगता है वाटर लॉगिंग की वजह से, ट्रैफिक पुलिस उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, लेकिन अगर पानी सड़कों पर होगा तो आखिरकार पुलिसकर्मी भी कर क्या लेगा और जिस तरह की परिस्थितियां बनती है, जिस तरह के हालात बनते हैं, उनको सुधारा कैसे जा सकता है। पहली तस्वीर ये कि जाम यहां पर देखा जा सकता है कि जहां रफ्तार भरती हैं गाड़ियां वहां अब रेंग रही हैं और चौराहे पर जिस तरफ नजर दौड़ाए वहां पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई है। अभी बरसात नहीं हो रही है लेकिन जब बरसात और ज्यादा बढ़ती है तो उसके बाद हालात और ज्यादा बद से बदतर हो जाते हैं। जिस तरह की तस्वीरें हमने कल भी और आज सुबह भी देखी, सोहना रोड और बाकी इलाकों में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था और इस तरह की तकलीफ लगातार बनी हुई है पूरे शहर में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार फेलियर कहां पर है, कमी कहां पर है, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन, एमसीजी और बाकी एजेंसी दावे करती है कि वाटर लॉगिंग नहीं होने देंगे, पानी की व्यवस्था से निपटा जाएगा, पंप लगा दिए गए हैं लेकिन फिर भी पानी भर जाता है। शहनवाज जी, क्या लगता है खामी कहाँ है? क्या जो जिला प्रशासन दावे ही करता है, क्या ग्राउंड पर उतर के देखते भी अधिकारी? जो दावे किए गए जाते हैं साल दर साल, हर साल दावे किए जाते हैं। आज से मुझे याद है कि 2015 में कृषि मंत्री ने एक मीटिंग ली थी और फ्लड कंट्रोल को लेकर कहा था कि आज के बाद 2015 के बाद से कभी भी यहाँ पे पानी का भाव नहीं होगा और कोई समस्या नहीं होगी, अगर होगी भी तो तुरंत उसको निकालने के इंतजाम किए जाएंगे। बट आज तक टिल टूडे आज तक पानी निकालने कहीं भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। जितने भी वाटर पिट बनाए गए थे उनकी सफाई अभी तक नहीं हो पाई है, टेंडर नहीं हो पाई है। नगर निगम के बाद अब पूरा का पूरा नाले की जिम्मेवारी जीएमडीए को दे दिया गया है, मगर जीएमडीए के अभी तक जो अंदर बंद नाले हैं, जो बंद नालों की सफाई 30% नालों की सफाई नहीं हो पाई, जिसका नतीजा ये है कि आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से जल भराव है और जल भराव होने की वजह से लगातार यहाँ पर प्रदूषण भी, मतलब कि हो सकते हैं। यानी सीधे तौर पर मान लें कि अधिकारी एसी कमरे में बैठकर लंबी लंबी प्लानिंग की बातें करते हैं, ग्राउंड पर उतर के स्थिति को ना जायजा लेते हैं ना ही समझने की कोशिश, ना वो जायजा लेते हैं और ना ही उनके जो नुमाइंदे होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है वो भी जाके नहीं देखते कि हकीकत क्या है। इवन कि जब जैसे इंडिया न्यूज लगातार दिखा रहा है, लगातार समस्याओं को उठाकर, उसके बावजूद भी ग्राउंड पे आके वो स्थिति का जायजा नहीं लेते हैं। नतीजा ये होता है कि लगातार जल भराव और गहरे गहरे गड्ढे में पानी भर रहा है और रोड पर सड़कों पर पानी जमा हो रहा है, घुटनों तक सड़कों में पानी जमा है। जिस सेक्टर 50 सबसे पॉश इलाका है, यहाँ पर सर्कल रेट देखें तो लाख रुपया प्रति गज सर्कल रेट है, मगर उस सर्कल रेट के बावजूद यहाँ पर सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। यानी कि पैसा तो खूब खर्च कर रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करके इन सोसाइटी में आकर बसते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो इस तरह से ये गंदा पानी उनका इंतजार कर रहा होता है, ये गंदा पानी उनका स्वागत करता है और कई घंटों तक सुबह और शाम तो खासतौर से कई घंटों तक उन्हें सड़कों पर अपना समय बिताना पड़ता है। और वो तस्वीरें भी आज तक नहीं भूल पाए हैं जब हीरो होंडा चौक पर महाजाम लगा था और उसके बाद कहीं ना कहीं ये दावे किए गए थे कि इसके बाद इस तरह की तस्वीरें या इस तरह की सूरत गुरुग्राम की नहीं होगी, लेकिन हर बार बारिश में यही हालत होती है। आप ये बताइए, ये हर बार जैसी बारिश होती है इसी तरह की हालत होती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी तरह से हालत होती है। यहाँ बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं जाम पे। यहाँ ऐसा है कि यहाँ पर कोई रोड बनाने के लिए लाइक नहीं है, यहाँ पर हर रोज ऐसी बारिश होती है।
चलिए, तो मतलब ये लोगों का दुख भी है कि किस तरह से लोग तकलीफ में हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, ये इसी तरह की हालत बनती है कि हर बार जाम के दौरान? करो जी। ना, कुछ भी ना, बिल्कुल भी ना। रोड है तो पानी भरेगा भाई, क्या दिक्कत है? है? रोड इसलिए है, इसलिए तो है पानी भरने के लिए। चलिए, यहाँ कुछ लोगों को यहाँ दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह की परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं, जिस तरह के हालात यहां बने हुए हैं, कुछ लोगों से और भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी को कोशिश है कि वो जल्द से जल्द जाना चाहते हैं गुड़गांव में। बारिश में इसी तरह के हालात रहते हैं, मुझे लगता है थोड़े दिन में गुड़गांव जाम के कारण खत्म हो जाएगा। बहुत बुरा हाल है, कल से ही बुरा हाल है। मतलब लोगों को अब यहाँ ये भी डर और ये परेशानी सताने लगी है कि अगर इस शहर में वो लोग रहते हैं तो किस तरह से बात बनेगी। जाम देख लीजिए कि किस तरह से जाम भी लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात इस सबके बीच की स्थिति है कि गाड़ी दौड़ाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह की दिक्कत रहती है बरसात में? हाँ, दिक्कत रहती है, जाम में फंस जाते हैं। हाँ, फंस जाते हैं जाम में, फंस जाते हैं। चलिए, ये एक बड़ा सवाल है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि हम बात ये करते हैं कि गुरुग्राम में लगातार पानी, पीने का पानी खत्म हो रहा है, और उसको लेकर भी एक बड़ी प्लानिंग जिला प्रशासन और दूसरी एजेंसीज की तरफ से कही जाती है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर बड़ी बड़ी कवायदें शुरू की गई है। लेकिन जब ये पानी सड़कों पर आता है तो वो जमीन में नहीं जाता, बल्कि सड़क के जरिए शिविर में पहुंच जाता है। यानी कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी सिस्टम तरीके से बनाया जाए तो ये पानी जमीन में जाएगा, और जिस तरह से पानी का स्तर जिस तरह से कम होता जा रहा है उसमें भी कुछ फायदा हो। वाटर लॉगिंग से जो मुश्किलें वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ा दावा ये भी होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, पिट हॉल्स खोल दिए गए हैं, बारिश आने से पहले ये व्यवस्थाएं कर दी गई है, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन ये पानी तो सारा बेकार हो रहा है। ये हालात बारिश के एक डेढ़ घंटे बाद के हैं। अगर आप देखें, अगर एक डेढ़ घंटे पहले आते तो ये फुटपाथ पर डूबा हुआ था। तो मुझे लगता है कि जो अधिकारी दावे कर रहे थे कि वाटर लॉगिंग नहीं होगी, उनको आके देखना चाहिए, एटलीस्ट उनको देखना चाहिए, और उन्हीं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि पिट्स कहाँ हैं, पानी भर रहा है तो वो दावे कहाँ हैं, है ना। तो ये चीज़ है कि ये हालात एक घंटे डेढ़ घंटे बाद के हैं, बारिश के बाद के। इससे पहले की स्थिति और बेकाबू थी। आप यहीं रहते हैं, ये हम बारिश आने के बाद इसी तरह के हालात बने रहते हैं? हमेशा ऐसे हालात रहते हैं। वो सामने सीवर है जो ओवरफ्लो हो रहा है, आगे जाने का पानी का कोई निकास नहीं है, जिसकी वजह से पानी उसी पर ढक्कन खुला हुआ है वहाँ पे, जिसकी वजह से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से सारा ये पानी भरता रहता है। हर बार इसका यही माल रहता है। जाम तो बहुत ज्यादा लग जाता होगा? हाँ सर, जाम बहुत लग जाता है यहाँ पे। कल भी पानी भर गए थे यहाँ पे, कल बरसात। कितने घंटों का जाम लग जाता है? घंटा, आधा घंटा, एक घंटा लग जाता है। अभी यहीं रहते हैं, ये हर बारिश में ऐसे हालात बनते हैं? आज से नहीं, चार साल से देख रहा हूँ मैं, छः साल से रह रहा हूँ गुड़गांव में, यहीं रहता हूँ, बट ये चार पाँच साल से यही हो रहा है, और थोड़ा भी बारिश होने के कारण ये पूरा जाम हो जाता है, ये चार पाँच घंटे का जाम बना देता है। तो ये स्थिति है शहर की कि शहर को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, नया गुड़गांव जिसको हम कहते हैं हाईवे की इस तरफ, उसके ये हालात हैं। पुराने गुड़गांव के हालात तो और ज़्यादा बद से बदतर है, और इसके अलावा दावा ये किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि ग्लोबल सिटी भी बसाई जाएगी। जनाब, समझना ये यहाँ पर है कि जो अभी शहर है, आप उस शहर की व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं, जो दूसरा एक और शहर आप बसाने जा रहे हैं उसकी व्यवस्था कैसे संभलेंगी? क्यों नहीं अधिकारी ग्राउंड पर उतरकर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? क्यों नहीं अधिकारी ये समझ पा रहे हैं कि सिर्फ कोरे वादों से अब काम नहीं चलेगा, आपको जमीन पर उतरना होगा। शहर का सिर्फ नाम बदलने से शहर की तस्वीर और तकदीर नहीं बदलेगी। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस तरह के हालात बरसात के बाद गुरुग्राम में लगातार बनते हैं, आने वाले समय में शायद कुछ सुधार हो और सरकार इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए, क्योंकि उनके अधिकारी सिर्फ एसी कमरों में बैठकर प्लानिंग करते हैं, जमीन पर नहीं उतरते हैं। अगर जमीन पर उतरते तो जमीन की ये सूरत नहीं होती, इतना बड़ा लंबा जाम या इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलती। फिलहाल वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।